नमस्कार, मैं स्वाति मिश्रा पांच अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक पर बनेगा पुल, सदर घाट पर केंद्र बनाएगा दो लाइन का पुल। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के छोटकी कोनिया निवासी विभिन्न मुखिया की पत्नी सुरुचि देवी की मिट्टी में दबने से मौत। सीतामढ़ी से जयनगर होते हुए रेलवे सेवा से सीधा जुड़ गया जनक जानकी का मायका जनकपुर धाम। अश्वनी वैष्णव बोले, साइबर अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को बड़े पैमाने पर बदलने की जरूरत है। जानते हैं खबरें विस्तार से। जाले स्थानीय थाने की पुलिस ने सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र में बजितपुर बड़ा गांव में छापेमारी कर भुवनेश्वर ठाकुर से शराब तस्कर के पुत्र सुशील कुमार ठाकुर को धर दबोचा। थाना अध्यक्ष अशोकानंदन पांडे ने बताया कि गरबा गांव में सुशील की बाइक से शराब की बरामद की गई थी। वह बाइक छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस की ओर से जब बाइक के विरुद्ध शराब तस्करी के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई, उसे रविवार को पुलिस अभिरक्षा में दरभंगा कोर्ट भेजा गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक पर बनेगा पुल, सदर घाट पर केंद्र बनाएगा दो लाइन का पुल। केंद्र सरकार गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले के बीच गंडक नदी पर सदर घाट में पुल बनाएगी। राम जानकी मार्ग के तहत पर नया पुल बनेगा। सिवान के महरौना से सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ तक 240 किलोमीटर के राम जानकी मार्ग बन रहा है। वही चार लेन सड़क बननी है। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने अब बचे 180 किलोमीटर सड़क को चार लेन बनाने का सिद्धांत निर्णय करते हुए उसने राज्य सरकार को अवगत करा दिया है। केंद्र के इस फैसले के बाद अब राम जानकी मार्ग में एलाइनमेंट के गंडक नदी पार करने के लिए स्तर चार पुल लेन करना होगा। फिलहाल राज्य सरकार ने अपने पैसे से वहां दो लेन का पुल बनाया है। ऐसे में केंद्र सरकार वहां पर दो लेन और पुल बनाएगी। बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले झारखंड का बड़ा माफिया विपिन सिंह गिरफ्तार। बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग की टीम राज्य के बाहर शराब माफियों पर नकेल कसने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। इसी कड़ी में टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी रांची के एक बड़े शराब माफिया विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विपिन कुमार सिंह पिछले कई महीनों से लगातार बिहार में शराब की आपूर्ति में जुटा हुआ था। मद्य निषेध विभाग की टीम इस शराब माफियों के खिलाफ लगातार सबूत जुटा रही थी और ठोस सबूत के आधार पर पुलिस ने रांची में दबिश देकर विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के छोटकी कोनिया निवासी विभिन्न मुखिया की पत्नी सुरुचि देवी की मिट्टी में दबने से मौत से परिवार में लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वही उसके चार बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना में घायल हुए दो बच्चे बेगूसराय में जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार विपिन की दो पुत्र और एक पुत्रिया है। इसमें सबसे छोटा 1.5 वर्ष का रोशन कुमार और 3 वर्ष की शिवरन कुमारी है। इन बच्चों को यह भी नहीं मालूम है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायल बच्चों की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सीओ अखिलेश कुमार और थाना अध्यक्ष भगवान सिंह व अन्य अधिकारी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और स्थिति से अवगत कराते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने को कहा, लेकिन विपिन के परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार इस बाबत पुलिस अधिकारी ने विपिन के रिश्तेदार सतेंद्र मुखिया, रवीना मुखिया, लवकुश मुखिया, राम भरोस मुखिया एवं मृतक के भाई समस्तीपुर जिले के विधान थाने के सदय गांव निवासी इंदल मुखिया सहित अन्य लोगों से पंचनामा बनवाकर सबको परिजनों को सौंप दिया। सीतामढ़ी से जयनगर होते हुए रेलवे सेवा से सीधा जुड़ गया जनक जानकी का मायका जनकपुर धाम। सीतामढ़ी भारत और नेपाल 2 अप्रैल को एक बार पुनः रेलवे से जुड़ गया है। दोनों देशों की सदियों पुराने द्विपक्षीय रिश्तों को प्रकट करने के साधन के रूप में रेलवे अपनी प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जनक जानकी माता सीता की स्थलीय सीतामढ़ी में उनके बाबुल के घर जनकपुर धाम अब रेलवे से सीधा जुड़ गया है, जिससे यहाँ के श्रद्धालुओं में खुशियों की बड़ी सौगात मिल गई है। इस रेल सेवा के शुरू हो जाने के बाद न केवल यात्रा सुगम होगी वरना व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को आवागमन में भी सुविधा होगी एवं सीमावर्ती क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इस ट्रेन को 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा द्वारा हैदराबाद हाउस नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिचालन शुरू कराया गया। देश भर में सोने चांदी की दुकानों में लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 महिलाओं समेत 11 गिरफ्तार। सोना चांदी की लूट कमांड मामला सीतामढ़ी देश भर में घूम घूम कर दुकानों में लूटपाट की मामलों को अंजाम देता था। सीतामढ़ी पुलिस ने इस मामले में एक जबरदस्त जीत हासिल की है। पुलिस कप्तान कर रहे किशोर राय ने रविवार को इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए बताया कि गैंग में 2 महिलाएं समेत 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
भाजपा MLC यशवंत सिंह पार्टी से निष्कासित बेटे को चुनाव लड़ना पर आभारी। आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय प्राधिकरण क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषु को निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतारना भाजपा MLC यशवंत सिंह को भारी पड़ गया। चुनाव लड़ने व प्रचार प्रसार करने की शिकायत पर उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यशवंत सिंह सपा के तरफ से पिछले लगभग 20 वर्षों से विधान परिषद सदस्य रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा ने विधान परिषद सदस्य बनाया गया था। छिंदवाड़ा में बच्चों को स्वस्थ रखने एवं 12 तरह की बीमारियों के रक्षा कवच के लिए टीकाकरण अति आवश्यक है। समाज का एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहे तो संबंधित बीमारियों पर कमांड करना आसान हो सकता है। सिमरिया टोला में संघरण मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद्र ने उपस्थिति लोगों में यह बात कही। इस अवसर पर यूनिसेफ के SSP शशिकांत सिंह ने भी टीकाकरण से होने वाले लाभ एवं संबंध के लोगों को विस्तार से बताया। उन्होंने ड्यू लिस्ट का निरीक्षण किया एवं सभी लाभार्थियों के इसके लाभ के बारे में जानकारी दी। गर्मी के कारण बढ़ रहे तापमान को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण के कार्यों का समय पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बहेरी प्रखंड के गोबराही गांव में सोमवार को मृत प्रात कमला नदी में स्नान करने के क्रम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की पहचान गांव के ही सिमरिया यादव के 8 वर्षीय पुत्र अनुज यादव और 6 वर्षीय पुत्र रितेश यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर बहेरी थाना पुलिस और अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। हालांकि कर्मचारी मौके पर पहुंचे, वे घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से जानकारी ले रहे हैं। बताया जाता है कि दोनों बच्चे घर से स्नान करने निकले थे, नदी में पैर फिसलने से यह घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बच्चों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अश्विनी वैष्णव बोले, साइबर अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को बड़े पैमाने पर बदलने की जरूरत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक गतिशील कानूनी ढांचे की जरूरत पर बल दिया, जो साइबर क्षेत्र में पेश होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए निजात में अधिकार अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता और विनियमों का नियंत्रण की मांगों में संतुलन कायम कर सकेंगे। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को तेल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश में शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने कहा कि कैबिनेट मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने सामूहिक इस्तीफा को कारण नहीं बताया। पाक माह रमजान शुरू होते ही पहले दिन से जाले के गांवों में रमजान की धूम मच गई। जाले, गर्गी, बधौली, गुमरौड़ी आदि गांवों में 2 अप्रैल को चांद देखने के बाद से लोगों ने शहरी खाकर इबादतों का सिलसिला शुरू किया। लोग इबादत के साथ रोजे रख रहे हैं, जगह जगह तरावी का भी आयोजन किया जा रहा है। जाले के इस्लामिक चिंतन सह शैक्षणिक मौलाना असद भैजी कासिम कहते हैं कि उपवास के अलावा मुसलमानों को पूरे महीने अपने विचारों में शुद्धता रखना और अपनी बातों से किसी को नुकसान न पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। मौलाना फौजी ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि इस महीने में इबादत की गई हो तो 70 गुना अधिक फल मिलता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी धर्मों में रोजा रखने की अपनी अपनी परंपरा एवं मान्यता है। इस्लाम को मानने वालों को हर बालिग का रोजा फर्ज है, केवल उन्हें छूट दी गई है जो बीमार हैं या यात्रा पर हैं। इसके अलावा महिलाएं भी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार रोजा रखती हैं। छूटे हुए रोजे उन्हें बाद में रखने होते हैं। वहीं बच्चे एवं बीमार लोगों को रोजा रखने की छूट दी गई है। मौलाना फैजी कहते हैं कि तरावी की नमाज में महीना भर का कुरान का पाठ शुरू हो रहा है। इसने कुरान पढ़ना न आने वालों को भी कुरान सुनने का अवसर मिलेगा। इस्लाम में इसे महापुण्य माना गया है। उन्होंने कहा कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया है, जिसमें जिंदगी गुजर बसर करने के अल्लाह ने तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इसका 100% पालन करते हैं। विधान परिषद का चुनाव सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इस चुनाव में कुल 5108 वोटर मतदान किए। इसके लिए जिले के सभी 18 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान शाम 4 बजे तक चला। शहर से सटे बहादुरपुर प्रखंड पर मतदान करने पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा, बेहतर व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि सुबह मतदान की गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटरों की संख्या बढ़ने लगी। मतदान के लिए पंचायत प्रतिनिधियों में खास उत्साह देखा गया। सभी मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। डंडा अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।
पुलिस के जवान सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्र पर तैनात हो गए थे। दरभंगा बसंती नवरात्रा में मंदिरों और घरों में सुबह से ही माँ दुर्गा सप्तमी के श्लोक गूंजने लगते हैं। किशोर से लेकर बुजुर्ग तक पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। महिलाएं भी सवेरे घर के काम निपटा कर माँ दुर्गा की आराधना में जुट जाती हैं। मंदिरों में शाम में होने वाली आरती में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। विभिन्न मंदिरों में शाम के समय होने वाले कीर्तन के माहौल से भक्तिमय बना हुआ है। सोमवार के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे रूप चंद्रघंटा की आराधना की गई। मंगलवार को माँ दुर्गे के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना होगी। शहर से लेकर गांव तक विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। विभिन्न पूजा पंडालों एवं घरों में श्रद्धालु दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे न संस्थिता के मंचो उच्चार से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। बिरौल सुपौल बाजार के हाटगाछी में राधेश्याम मेमोरियल हॉस्पिटल में अवस्थित एक डॉक्टर के निजी क्लिनिक में संचालित श्री श्याम मेडिकल दवा दुकान में औषधि नियंत्रण जिला प्रशासन की ओर से रविवार को छापेमारी की गई। इसमें कई अनियमितता उजागर हुई है। नियम के विरुद्ध दवा की बिक्री किए जाने पर संचालक और चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। 3 सदस्यीय छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे ड्रग इंस्पेक्टर शंभुनाथ ठाकुर ने बताया कि उत्तक हॉस्पिटल के विरुद्ध क्लिनिक की आड़ में रोगी के नियम के विरुद्ध दवा बेचकर अधिक पैसे लेने की शिकायत मिली है। दर्ज शिकायत के आलोक में छापेमारी की गई। इसमें सभी तथ्य सच पाए गए हैं। दवा दुकान में 20 प्रकार की ऐसी दवा मिली है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। वही विभिन्न प्रकार की दवा की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही चिकित्सक अपनी पत्नी के नाम से दवा दुकान खोलकर अपने ही क्लिनिक में चला रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, क्लिनिक में खुले गए जांच घर की भी विधिवत जांच की गई है। साथ ही यह बताया गया है कि बिरौल में कई चिकित्सक के क्लिनिक में संचालित दवा दुकान के नियम के विरुद्ध दवा बेचने की शिकायत मिली है, जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे चिकित्सकों को दवा दुकानों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई करने के बाद पूछने पर बताया कि विरुद्ध दवा दुकानों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। इसके बाद दवा दुकान सील कर लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। छापेमारी टीम में शंभुनाथ ठाकुर, जितेंद्र कुमार सिन्हा एवं संदीप साहू शामिल है। मुंबई से दरभंगा की आ रही पवन एक्सप्रेस के नासिक के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मीडिया के आने के बाद दरभंगा में लोगों के अपने परिजनों की चिंता सताने लगी। मुंबई से आने वाले अपने सगे संबंधियों की जानकारी लेने के लिए लोग लगातार अपने संपर्क बढ़ाने लगे। सही सलामत होने की बात पूछ रहे हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद कई लोग दरभंगा जंक्शन और लहरियासराय स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों के संपर्क कर रहे हैं, आने वाली यात्रियों की जानकारी ले रहे हैं। दरभंगा के स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पवन एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। इसे देखते हुए तत्काल रेलवे ने पूछताछ वाले नंबर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर फोन करने से लोग यात्रियों की संबंधी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल रेलवे की ओर से अभी तक यात्रियों की सूचना नहीं मिली है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।